ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जाँच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सक्ती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर, कोई भी हो। नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूँगा। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जाँच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर, कोई भी हो। नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूँगा।